हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग होने वाला है, आशा आप लोग समझ गए क्यों होने वाला है, किस रिगार्डिंग हम लोग कमेंट कर रहे हैं। तो भाई, कमेंट्री अपनी आज की इसलिए होने वाली है क्योंकि आज तुम्हारा भाई एक डैशिंग गाड़ी लेकर आया है, हीरो स्प्लेंडर। जी हाँ, हीरो सुपर स्प्लेंडर 125cc की गाड़ी है। 55-60 का 100% एवरेज रहता है। ये दुनिया में हर कोई जानता है जिसने स्प्लेंडर चलाई है, उन भाइयों को सबको पता है कि सुपर स्प्लेंडर का एवरेज 55-60 का रहता है। जी भाई, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर है, दोनों ही नंबर प्लेट अथॉरिटी की है, फर्स्ट ऑनर है, 18 मॉडल है, लास्ट की गाड़ी है, 19 का शुरू मान के चलना। गाड़ी के सारे पेपर है, रूटिंग में ट्रांसफर जाएगी, ट्रांसफर का जो खर्चा आएगा 1000 से 1200 रुपये का आएगा। इंश्योरेंस पोल्यूशन वगैरह देखना पड़ेगा, शायद होने का चांस है, 99% इंश्योरेंस के चांस है कि इंश्योरेंस है गाड़ी का। सो इसकी मैंने पूरी वीडियो बना ली है, मैं अपलोड करूँगा, तो आप लोग इस गाड़ी को पूरा ही देखना और देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट बताना कि आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी और कैसा परफॉर्मेंस है। जिस भाई ने ये गाड़ी चलाई है उस भाई को पता है इस गाड़ी के बारे में, और जिसने नहीं चलाई तो वो एक बार एक्सपीरियंस करो और एक बार चला के देखो गाड़ी। तो गाइस, मेरे हिसाब से तो मेरा कहना ये है कि गाड़ी बहुत अच्छी है और राइड करने का मतलब कि है लॉन्ग रूट के मतलब कि, क्योंकि इसकी सीट भी बहुत लंबी होती है। ये जो इसकी जो सीट का जो स्पेस है ना, ये अच्छा खासा लंबा होता है। हम लोग तीन बंदे यानी कि ट्रिपल सवारी आराम से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, लॉन्ग रूट पर लेके जा सकते हैं। गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। और हाँ, काफ़ी लोग ये इनका डिवाइड भी रहता है कि बहुत बंदे कहते हैं यार गाड़ी में इंजेक्टर, भाई तो ये गाड़ी कार्बोरेटर वाली है, इसमें फ्यूल इंजेक्टर नहीं है। तो ये कार्बोरेटर की गाड़ी है, इसमें दो मॉडल आए थे, एक फ्यूल इंजेक्टर वाला, एक कार्बोरेटर। तो ये कार्बोरेटर वाला मॉडल है। गाड़ी का पीछे का सब कुछ लुक ऐसा है, बाकी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, अभी आप लोग आगे चल के देखो, बाकी मज़ा आ जाएगा। जिस भाई को लेनी हो तो कमेंट में मेरे को मैसेज में नंबर वगैरह कुछ भी दे सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं, या फिर मैं अपना नंबर डालता हूँ, उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑनर है, सारे कागज़ है, ट्रांसफ़र भी हो जाएगी, दिल्ली रजिस्ट्रेशन नंबर है, अथॉरिटी की दोनों नंबर प्लेट है, ट्यूबलेस दोनों टायर हैं, गाड़ी का 55-60 का एवरेज है, 18 मॉडल है, सब कुछ ओके रिपोर्ट में। गाड़ी का प्राइस वगैरह जैसे भी होगा ऊपर नीचे नेगोशिएबल हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं कि फिक्स प्राइस में कुछ नहीं है। तो गाड़ी की पूरी बॉडी जेन्युइन भाई, कोई रंग पेंट नहीं, जो शाइनिंग है गाड़ी की नेचुरल है, कैमरे पर कोई फिल्टर वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता मैं, सब कुछ जेन्युइन, सब कुछ नेचुरल है। तो चलते हैं इस गाड़ी को देखते हैं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी या मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप लोगों को भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो आप लोग हर बार जानते हैं, हर यूट्यूबर एक ही बात कहता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वही वाला भाई तुमसे कह रहा है। तो देखो वीडियो, मजे लो, एंजॉय करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अब जो मैं डालने वाला वीडियो वो एक वर्कमैन है, जी हाँ, सुजुकी वाले की जो वर्कमैन स्कूटी आई है, एक वो है, एक पैशन एक्सप्लोर रेडी हो रही है, थोड़ी बहुत देर में दोनों गाड़ियाँ आपको अपडेट मिल जाएगी। जिस भाई को चाहिए मेरे को बता देना आप, तो डायरेक्टली मैं आपको कॉल या मैसेज कुछ भी कर लूँगा, या आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहें, स्वस्थ रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।